बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2022 चला गया, 2023 आ गया, लेकिन इस साल मैंने फ़ैसला किया है कि मैं हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस नहीं भेज सकता। और उसकी वजह यह कि जब मैंने सोचा कि एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा जाए, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि उसके लिए पहले मुझे मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा, जिस पर ज़ाहिर है बिजली खर्च होगी। उसके बाद मैं उसको वाईफाई से कनेक्ट करूँगा तो डाटा खर्च होगा। फिर वो जब मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा तो वो वाईफाई राउटर से लेके टावर तक जाएगा, उस पर फिर मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, और टावर से फिर वो आगे डाटा सर्वर तक जाएगा कंपनी पे, उस पर मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। तो बिजली की आजकल वैसे ही कमी है, हमारे पास तो है ही नहीं बिजली, तो इससे बचत होगी। उसके बाद फिर वो डाटा सर्वर से एक फ़ाइबर ऑप्टिक केबल है जो समंदर के अंदर से लेके अमेरिका तक जाता है, और वो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसके अंदर, उस सात समंदरों के अंदर एक शार्क फिर रही होती है, और वो इसी इंतज़ार में होती है कि कब कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन आए तो वो उस फाइबर ऑप्टिक केबल को खा जाए और मुल्क में नेट जो है वो डाउन हो जाता है। तो उसका भी रिस्क रहता है, तो इसलिए मिनिमाइज़ करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर यही मैसेज वापस आएगा, मज़ीद डाटा खर्च होगा, और वो डाटा हम जो है वो ख़रीदते हैं इंटरनेट डॉलर्स खर्च करके, डॉलर्स की वैसे ही कमी है आजकल हमारे पास। और फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा या भेजूंगा या टाइप करूंगा, जाएगा सेंड करूंगा, फिर आप उसको खोलेंगे पढ़ेंगे, आपका टाइम भी खर्च होगा मेरा भी खर्च होगा। तो ना भेजने से फ़ायदा ये कि एक तो वक्त की बचत होगी, दूसरा हमारे डॉलर्स बचेंगे, और तीसरा क्लाइमेट चेंज से महफूज हम बिजली कम खर्च कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बजाय व्हाट्सएप या फेसबुक पर भेजने के, आपके लिए नेक ख्वाहिशात दुआएँ वो मैं डायरेक्ट अलमियों को भेज देता हूँ। तो इस साल मैं माजरत चाहता हूँ, अगले साल इंशाल्लाह अगर हालात बेहतर हुए तो मैं भी आपको एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भी भेज सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी।